हेलो फ्रेंड्स, कल की बैंक निफ्टी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, कल के दिन मार्केट जो था लास्ट सैटरडे को मार्केट ने काफी बड़ा एक गैप डाउन दिया, जबकि मार्केट बुलिश था। बुलिश होने के बाद मार्केट ने अचानक से ही एक बड़ा सा गैप डाउन दिया और वन डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई। उसके बाद आज के दिन देखा जाए मार्केट जब खुला तो गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद सीधा मार्केट बुलिश हुआ। बुलिश होने के बाद एक ही जगह कंसोलिडेट करता रहा। तो चलिए देखते हैं क्या रीजन है, कंसोलिडेट क्यों हुआ, कल के दिन मार्केट क्यों गिरा और कल के दिन क्या हो सकता है, लेवल्स क्या हो सकते हैं और हम लोग किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पर का, इस एरिया पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और सेम इसी रेंज में अगर आके देखें तो यहाँ पर पिछली बार जब मार्केट आया था तो यहाँ पर भी मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। इससे पहले यहाँ पर मार्केट जब था तो यहाँ पर भी मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम बिताया था, तो उसी तरह से मार्केट यहाँ पर भी टाइम बिता रहा है। अब चलिए देखते हैं कि मैटर क्या है, क्यों कल उस दिन मार्केट परसों के दिन यानी सैटरडे के दिन इतना बड़ा गैप डाउन खुला बुलिश होने के बावजूद, और आज मार्केट गैप अप खुल करके सीधा बुलिश हुआ और कंसोलिडेट किया है। तो चलते हैं सीधे, चलते हैं अपने चार्ट पर 15 मिनट के बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखते हैं। ये जो दोस्तों देख रहे हो कि मार्केट जो ये कल गैप डाउन सैटरडे को दिन मार्केट जो गैप डाउन खुला था, मार्केट देखो कहाँ से बुलिश है, मार्केट तो यहाँ से बुलिश चला आ रहा है सीधे, ठीक है। और ये एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा था मार्केट, ये देखो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन भी बनाता हुआ चला आ रहा है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को छोड़ दो, मार्केट बुलिश होने के बाद में ये जो गिरा था, ये गिरा था सैटरडे को, सॉरी सैटरडे को बोल रहा हूँ मैं बार बार, फ्राइडे को। फ्राइडे के दिन मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन थोड़ा सा नहीं, गैप डाउन काफी ज्यादा खुला। गैप डाउन खुलने के बाद जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया उसके बाद यहाँ पर इसने एक बेस बनाया और बेस बना करके मार्केट सीधे नीचे की तरफ गिरता हुआ चला आया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो मार्केट गिरा था ये मार्केट में डाउनफॉल नहीं आया था। ये इतने बड़े गैप डाउन को देख करके ये मत सोचो आप लोग कि ये डाउनफॉल आया। HDFC बैंक का रिजल्ट आना था, HDFC बैंक गिरा, HDFC बैंक की वजह से ये सारे स्टॉक गिरे। और आप लोग सभी जानते हो कि HDFC बैंक का काफी ज्यादा वेटेज होता है बैंक निफ्टी के अंदर, है ना। ये देख रहे हो HDFC बैंक कहाँ 1727 पर सीधे गैप डाउन आकर के खुला, कहाँ पर 1651 पर, इतना बड़ा गैप डाउन खुला था। इसी वजह से रिलायंस और बाकी सारे स्टॉक्स भी गैप डाउन हुए थे। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स है, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है इसका, इसीलिए इस वेटेज को देखते हुए मार्केट गैप डाउन खुला था। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों आज के दिन मार्केट फिर गैप अप क्यों खुला। देखो मार्केट का जो ट्रेंड था वो बुलिश था, ठीक है। ये जो फॉल आया था ये HDFC बैंक के गिरने की वजह से फॉल आया था, लेकिन अब जब इतना बड़ा फॉल इंडेक्स में आ गया है और मार्केट बुलिश है तो मार्केट अपने आप को रिकवर भी तो करेगा, इसीलिए मार्केट ने फौरन यहां से रिकवरी दिखाई। और ये जो एक जोन है ये कंसोलिडेट करके मार्केट यहीं पर बंद हो गया। क्यों? क्योंकि ये लेवल जो हम लोगों ने पहले से ड्रॉ कर रखे थे सप्लाई जोन और डिमांड जोन के, बेसिकली ये डिमांड जोन बना था जब मार्केट फॉल हुआ था और फिर ये सप्लाई जोन है क्योंकि मार्केट यहाँ से आया था, तो वापस मार्केट अपने सप्लाई जोन को टच करते हुए देखो यहीं पर कंसोलिडेट कर गया, जो कि हम लोगों के लिए मार्केट बुलिश होने के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर इस तरह से मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद एक काफी बड़ा फॉल बड़ा मूवमेंट देखने को मार्केट में मिलता है। अब मार्केट कल के दिन साइडवेज खुले या गैप अप खुले, थोड़ा बहुत गैप अप खुलने का चांस हो सकते हैं। अब ये रात को देखना पड़ेगा कि US मार्केट किस तरह से मूव कर रही है। अगर ये 43,500 का ये जो लेवल है जहां पर कंसोलिडेट किया है, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट खुलता है और थोड़ी देर मार्केट गैप अप खुलने के बाद में मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, मैं दिखाता हूं एक मिनट, मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले यहां पर या तो साइडवेज खुले, मार्केट यहां पर से जब एक ये बड़ी सी कैंडल यहां पर बनाएगा सुबह मॉर्निंग वाली ग्रीन कैंडल या गैप डाउन अगर खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो उसके बाद यहां कहीं पर ये जो लेवल है ना 43,096 का ये जो लेवल है, मार्केट यहाँ पर बेस बना करके अपना और फिर एक फॉल देता है मार्केट ऊपर की तरफ, सॉरी फॉल नहीं, एक मूव देता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर कंसोलिडेट कर चुका है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आए और ये जो लेवल बना है हम लोगों का ये मार्क है जहां पर ये आज के दिन रेजिस्टेंस की तरह काम किया 30,500 का,
यहां पर मार्केट कुछ वक्त बिताए अगर या इसको बेस बना करके फिर यहां पर डोजी हैमर या बुलिश हरामी इस तरह की कोई कैंडल स्टिक बनाता है, तो हम लोग मान लो यहां पर एक बुलिश हैमर बनता है तो हम लोग इसी हैमर के जो हाई टूटेगा बस यहीं पर हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे और ये छोटा सा हम लोगों का 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और एक बुलिश मूव के लिए हम लोग चल पड़ेंगे। पहला टारगेट जो हम लोगों का बनेगा वो बनेगा ये वाला 44,000 का। 44,000 के बाद अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर के मार्केट निकलता है, अगर सीधा सीधा निकलता है तो भी अच्छी बात है क्योंकि हम लोग तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे क्योंकि हमारी पोजीशन यहाँ पर बनेगी। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है मार्केट तो अपने स्टॉप लॉस को हम लोग जो यहाँ पर की एक स्विंग होगी ना उस स्विंग के नीचे बस डायरेक्ट लगा देंगे क्योंकि ऑन कॉस्ट समझ लो लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट हो सकता है कल के दिन इस रेंज में मार्केट पूरा दिन ट्रेवल करे और यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन बनाए क्योंकि मार्केट एक बड़े मूव के लिए तैयार लग रहा है। पिछला जो हाई था अब उस हाई को अगर वन डे टाइम फ्रेम पर जाकर के देखेंगे तो ये जो लेवल मार्क है ये पिछला हाई है, ठीक है। जब भी मार्केट चलता है तो मार्केट कुछ इस प्रकार चलता है, ये जब मार्केट न्यू स्विंग बनाता है मार्केट नीचे से आता है ऐसे ऐसे करता हुआ जब ये हाई बनाता है अपना और हाई बनाने के बाद में फिर जब अपना ये लोअर लोज बना करके फिर जब आता है तो ये पिछले से ऊपर काफी ये अपना हाई दूसरा बनाता है, फिर जब नीचे आता है तो फिर मार्केट इससे भी ऊपर यहाँ पर अपना हाई बनाता है। तो इस तरह से अगर मार्केट के चलने का जो तरीका है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट अपने नए हाई के लिए तैयार है, बस शर्त यह है कि अपना ये जो 44,000 वाला ये जो लेवल है ना इसका 44,000 से लेके 44,100 के बीच का ये जो लेवल है इस लेवल के बीच में मार्केट या तो कंसोलिडेट हो जाए या तो इसे तोड़ के निकल जाए। अगर कंसोलिडेट हो जाता है तो मार्केट एक बहुत अच्छा मूव देगा बड़ा, वैसे तो कंसोलिडेट हो गया है लेकिन यहाँ पर एक ये जो फर्स्ट हाफ में हम लोग ट्रेड देखेंगे वही एक अच्छा हम लोगों का ट्रेड मिलेगा। बाकी दिन हो सकता है जैसे आज के दिन मार्केट ने किया एक मार्केट ऊपर गया, मार्केट जाने के बाद में फिर ना ऊपर कहीं मूव दिया हम लोगों को ना कहीं नीचे मार्केट में मूव दिया, यहीं पर ट्रैप करता रहा। इसी तरह से कल भी हो सकता है सुबह के टाइम पर हम लोगों को मार्केट गैप डाउन खुल करके ट्रेड दे या तो गैप अप खुल के ट्रेड दे, इस रेंज में मार्केट आकर के फंसेगा। इस रेंज में फंसने के बाद जब मार्केट निकलेगा तो एक बहुत बड़ा मूव दे करके जाएगा जो कि थर्सडे एक्सपायरी तक की एक्सपेक्टेड है। अब आगे देखते हैं मार्केट में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मार्केट सर्वोपरि है, मार्केट से कोई नहीं जीत सकता, मार्केट कहीं भी कुछ भी कर सकता है। हमारा काम है लेवल बनाना और लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करना। अगर आप बिगनर्स हो बिल्कुल ट्रेड में लॉस कर रहे हो, आपको साल भर 6 महीने या 1 महीना ही हुआ है और आप लॉस कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बताओ, मैं आपके लिए ट्रेडिंग में इतनी इसी आपको स्ट्रेटजी समझ में आती है लेकिन ये सप्लाई जोन और इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। देखो ट्रेडिंग सीखना ना, ट्रेडिंग सीखना बहुत ही छोटा सा काम है, ट्रेडिंग सीखना कोई बड़ा हुआ नहीं है। ट्रेडिंग आप यकीन मानो 2 दिन में सीख सकते हो। ट्रेडिंग में सीखना क्या होता है, ये ग्रीन कैंडल क्यों बनती है, रेड कैंडल क्यों बनती है क्या नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट है। सेलर बायर और हाँ ब्रोकरेज जहां पर आप अपना अकाउंट खुलाओगे उसको चलाना सीखना है, क्या बाई करना है क्या सेल करना है, बस यही तो है। बाकी टेक्निकल एनालिसिस जो 50 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं वो सब बेकार है, किसी काम के नहीं है। अगर आप बहुत ही इजी वे में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरा जो पहला चैनल था डेल्टा ट्रेडर्स के नाम से, मैं उस पर भी बहुत ही इजी कर चुका था ट्रेडिंग के लिए लेकिन कुछ बड़े ट्रेडर्स के फॉर्मूले रिवील करने की वजह से वो चैनल मेरा यूट्यूब ने उड़ा दिया। जो लोग मुझे पहले से मेरी आवाज को पहचानते होंगे वो जानते होंगे, इसलिए मैं काफी दिन तो डिप्रेशन में चला गया था।